वहीं हरियाणा की राजनीति के दिग्गज और बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी पहली बार पहलवानों का समर्थन देने जंतर मंतर पहुंचे और खुलकर पहलवानों का समर्थन किया। इस दौरान चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जनता टीवी से भी खास बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आप जंतर मंतर पर पहुंचे पहलवानों का समर्थन करने, सर अपनी बात भी यहाँ पर रखी, सर क्या कहना चाहेंगे? वो बोल तो दिए, अब और उसमें एडिशनल क्या कहलवाएंगे आप वो बता दो। बीजेपी की एक लाइन लेंथ है सर, अभी तक तो कोई नेता जो है बीजेपी का यहाँ पहुँचता हुआ नजर नहीं आता, सारी विपक्षी पार्टियों के नेता यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आते। मैं कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इन महिलाओं ने, इन लड़कियों ने एक जो मुद्दे उठाए हैं उन पे एक राष्ट्रीय स्तर पे सोच करने की जरूरत है, और इसीलिए मैंने ये कहा कि मेरा पूरा समर्थन इन बेटियों के साथ रहेगा। और मुझे इस बात का भी इल्म है कि आने वाले टाइम में देखोगे ये एक बड़ा भारी ऐसा जन आंदोलन होगा। वो लड़की तो कह रही थी हम आंदोलन मत बोलो, मैं लेकिन मैं इसको आंदोलन बोल रहा हूँ, जन आंदोलन होगा। आप देखो, लेकिन हमने देखा था किसान आंदोलन में भी इसी तरह की एक रूपरेखा देखने को मिलती हुई नजर आई थी, सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव जो है नहीं देखने को मिलता नजर आया था। यहाँ पर भी सर जो है धरना प्रदर्शन लगातार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं इतना बोल सकता हूँ कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मैंने इस मुद्दे पे दो बार बातें की हैं, और मैंने कहा कि संगठन के माध्यम से आपको इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जा सकता है वो देखें। एक सर प्रश्न ये कि कानून अपनी कार्रवाई कहीं ना कहीं साइड बाय साइड करता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस में मामला है और उसके साथ साथ जब कोई दिक्कत आती है तो कोर्ट में भी पहुंचते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये प्रदर्शन चल रहा है और खासतौर पर जब विपक्षी नेता यहाँ पर आते हैं तो सवाल या निशान कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आते हैं। नहीं, सवाल या निशान कुछ नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी के हकों की लड़ाई में कोई ये कहे कि हाँ पॉलिटिकल आदमी ना आए या पॉलिटिकल पार्टी ना आए, अरे राजनीति से ही तो कानून बनते हैं, राजनीति से कानून टूटते हैं और राजनीति से ही प्रजातंत्र मजबूत होता है। तो मैं तो इस पक्ष का हूँ कि पूरे तौर पे राजनीतिक लोगों की और आम समाज की इसमें भागीदारी होनी चाहिए। एक सर अंतिम प्रश्न, हरियाणा को लेकर किस तरीके से समझ रहे हैं, आने वाले समय में चुनाव भी देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, नुकसान होगा सर इससे? ये ऐसा नहीं है, आपने जो ये तो 6 महीने बाद पूछना। चौधरी बीरेंद्र सिंह थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे, कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली।